आज से यह महोत्सव जिला मुख्यालय पर आयोजित होने के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि आजमगढ़ के इस महोत्सव में जितने भी अतिथि आ रहे हैं सबको रॉ मटेरियल से बने मोमेंटो गिफ्ट किए जाएंगे। तहसील स्तर से शुरू होने वाला यह महोत्सव तहसील स्तर पर समापन के बाद अब जिला मुख्यालय में आयोजित होगा। और आप देख सकते हैं हम खड़े हैं आजमगढ़ जनपद में, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं मोमेंटो बना रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भी मोमेंटो बनाए जा रहे हैं इस महोत्सव के लिए सब वेस्ट मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ के इस महोत्सव में लगभग 1060 मोमेंटो लोगों को दिए जाएंगे। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मोमेंटो बना रहे हैं, आइए जानते हैं किस तरह से मोमेंटो बनाया जा रहा है और क्या खासियत है। मैम, जिस तरह से मोमेंटो बनाया गया महोत्सव के लिए, क्या खासियत है, क्या अलग है ये? मोमेंटो डीएम साहब की तरफ से हम लोगों को ऑर्डर दिया गया था और ये कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल था। उनका एक थॉट था कि किसी को फूल माला नहीं देनी है और ना ही कोई चीज मार्केट से परचेज करके देनी है। तो उन्होंने हम लोगों का प्रोग्राम देखा था, अभी गणेश एग्जीबिशन लगाई थी, तो वो काफी इम्प्रेस थे बच्चों से। तो उन्होंने सारा इन लोगों को पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया और उसमें उनकी स्पेशल डिमांड थी कि वेस्ट मटेरियल से ही बने। इसमें प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और कागज हैं, न्यूज़पेपर, लुगदी वगैरह सब यूज करके ये सारी मोमेंटो उसी तरह से तैयार हो रही है। क्या डिफरेंट है, क्या थीम दी गई इस मोमेंटो पर? ये मोमेंटो पे ये थीम दी गई है कि एक अलग या नेचुरल जो औरत का लुक होता है, इस पे दर्शाया गया कि महिला सशक्त है, किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक कर सकती है, किसी भी कार्य को करने के लिए पीछे नहीं हट सकती है। लगभग कितने दिनों से आप लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं मोमेंटो बनाने के? काफी टाइम तो नहीं मिले हैं, फिर भी 15 दिन मिले हैं। 15 दिन में धूप भी नहीं हो रही है और सूख भी नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे अतिथियों को होने वाले आजमगढ़ महोत्सव में वेस्ट मटेरियल से बने हुए सारे मोमेंटो दिए जाएंगे और इसी मोमेंटो के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। अजय कुमार मिश्रा, ईटीवी भारत।